अगर ऐसा तो नहीं है, वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी सीसीटीवी फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि सीसीटीवी फुटेज ही इसको चेक करने में भी लगा, इसको एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था, और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के दो छोटे बच्चे हैं, तो वो उससे असिस्ट मांग रहा था कि उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा वो दे दे। किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर अभिजीत का? अभिजीत के यहाँ, हमारे यहाँ एक मारपिटाई का मुकदमा दर्ज है इसी थाने में, सेक्टर 14 थाने में। इसके अलावा अभिजीत पर एक कोटला मुबारकपुर दिल्ली में भी एक आर्म्स एक्ट का प्रोफाइल है। सर क्या कुछ इसका प्रोफाइल है, सर आरोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है, क्या कुछ करता है, क्या ये बेसिकली ये इंजीनियर रहा है बैकग्राउंड से, और इसने एनआईटी कुरुक्षेत्र से 89 में इंजीनियरिंग करी है, और उसके बाद अच्छी किसी कंपनी में उसने काम भी किया है। अभी पिछले कुछ सालों से ये होटल बिजनेस में ही था और इसी को रन कर रहा है। सर बीएमडब्ल्यू गाड़ी किसके, जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं? ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी वैसे अजय मेहता नाम के व्यक्ति की है, जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है। इसने इसको बेसिकली लीज, जिसको लीज आउट या मोर्टगेज कहते हैं, उस तरीके से 20 लाख रुपए मालिक को दे के बतौर गिरवी या बतौर गारंटी अपने पास। तो सर जब अनूप ने 9 बजे फोन किया कि होटल में लाश है, तो जब पुलिस गई तो अनूप से पूछी नहीं कि तुमने झूठा कॉल क्यों किया जब मिली नहीं 114 में? ना ना ना, बेसिकली तो वो दूसरी कॉल और उसमें तक तब तक तो चीज़ों को देखा ही जा रहा था, तो उसमें इस प्रकार की बात नहीं थी। वो जब नहीं मिली तो तब रेज किया, तो तभी तो पता लगा ना कि वो कहीं और हो सकती है। जो अभिजीत ने बतलाया वो रिसेंटली जो दिव्या है उसने अपने फ़ोन से ही बिंदर गुर्जर से बात कराई थी, पर इन चीज़ों को हम फाइनली नहीं मान रहे हैं, वो चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद ही हम बताएंगे। कितनी गोलियां मारी गई है, कितना क्लेम किया गया है? एक गोली मारी गई है जुलाई में आई बाहर, उसके बाद कहां रही, कहां गई? ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट की जानी बाकी है, क्योंकि बेसिकली तो उसका जो हिस्ट्री है या उसका क्या काम था, क्या नहीं करता है, क्या करती थी, तो वो उसके घर वालों से पूछेंगे और फिर उस पर। कितना पैसा अभिजीत दे चुका था दिव्या पहुजा को? जो अभिजीत बताता है वो करीब कहता है कि मैं 6 लाख के आसपास जो रुपया था वो दे चुका था, पर उसकी भी पुष्टि हम करेंगे। सर 111 रूम नंबर के बाहर गेट पर ईंटों से वार किया गया, ये वार किसने करे थे और क्यों करे थे? मेरे हिसाब से जो कमरा जो बंद हो गया था, लॉक हो जाता है जैसे बाहर निकलते हो आप, तो वो लॉक तोड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त है इन्हीं लोगों ने वो कोशिश कर दिया गया। उनका एक एक्यूज जो है वो उसके मर्डर हो गया, इसमें कोई कम्युनिकेशन हुआ है महाराष्ट्र से? बिकॉज़ इट वाज अ वेरी सेंसिटिव केस, गुड़गांव पुलिस के उसको ऑफिशियली तो कम्युनिकेशन की शायद आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना सजग है, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरत भी है, और मेरे पास ये जानकारी नहीं है, पर ये अज्यूम्ड है कि उनको कर दिया गया होगा, अगर नहीं कर दिया होगा तो कर दिया जाए। उनके केस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? बेसिकली तो वो अक्यूज्ड थी, तो इसके खिलाफ जो ट्रायल जो चलना था या चल रहा है वो अपने आप में समाप्त हो जाएगा, केस पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बलराज गिल के बारे में, क्योंकि वो हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, पर थोड़ा पता लगा है कि वो भी बेसिकली इशार से ही पड़ा है, और अभियुक्त ने बताया कि वो हम उम्र है और मोहाली में रहता है, उसका एक फ्लैट पंचकुला में भी है। और ये इसने जो बताया ये कि ये पेशेवर LLB इसने किया है और ये पेशेवर वकील है। अच्छा सर, CCTV फुटेज में दिव्या पहुजा, अभिजीत सिंह और एक अन्य युवक दिखाई दे रहा है, वो अन्य युवक कौन था और उसकी क्या कुछ भूमिका इस हत्याकांड में रही है सर? वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, उसको डिस्क्लोज करना शायद अभी फायदेमंद नहीं रहेगा, जैसे भी चीज़ें। नहीं, वो शख्स CCTV फुटेज में शामिल शख्स क्या इस हत्याकांड में शामिल था सर? ये सारी बातें अभी अभिजीत, क्योंकि आज ही हमारे पास आया है, मैंने खुद उस पर 1 घंटे की खुद पूछताछ की है, तो 1 घंटे में चीज़ों को समअप करना कोई समझदारी नहीं होगा। 5 दिन का रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू
रिवील थिंग्स। अच्छा सर, वो शख्स जो था वो क्या इन्हीं के साथ इस रूम में था, उसी के सामने हत्या हुई सर? वो उसके बारे में अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करनी, उसको हिरासत में लिया गया है सर? उसका क्या कुछ नाम है, क्या कुछ प्रोफाइल है, कहाँ का? नहीं नहीं नहीं, अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, हिरासत में लिया। टोटल कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ है? नहीं ना, जैसे जो जो हत्या है वो अभिजीत ने करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा स्टाफ जो दो है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने में, ठिकाने लगाने में उन्होंने भागीदारी निभाई है, वो भी क्रिस्टल क्लियर है। दो और लोग जो गाड़ी में लेके गए हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर है। तो पांच लोगों के बारे में गोली मारी कहाँ गई है सर, अभिजीत ने बताया वो होटल रूम में नहीं, कहाँ पे सिव्या पहुंचे को कहाँ पे गोली लगी? सर में, माथे में, सामने। मेरे हिसाब से नशे का और किसी को फायर आर्म यूज करने में कुछ ज्यादा जोर पड़ता हो ऐसा लगता नहीं है, तो वो कह रहा है तो इतने सेंसेस में तो आदमी रहता ही है, शायद थोड़ा ये ड्राई नशा जिसको बोलते हैं हम, उस प्रकार का नशा करता है तो रहता ही आदमी। इन चीज़ों के बारे में तो या तो दिव्या का परिवार बताए या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें देखते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उसके भी, अगर होगा तो हम जरूर बताएं। ना ना, ऐसे कोई हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं। इन सारे सवालों जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो वी शैल बी एबल टू आंसर देम। हाँ देखो, किसी चीज को रूल आउट करना ये इट्स टू अर्ली टू से सो, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज़ को फाइनली कहना एक अच्छी बात भी नहीं है। सर, हत्या करने का तभी कुछ फरार नहीं हुआ, उसने सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं की, क्या था मतलब इसकी कोई कहानी में झोल नजर नहीं आ रहा कि आरोपी वही मौजूद है, अपना होटल है, सीसीटीवी फुटेज वही लगी हुई है? इसको कितने बजे जानकारी मिली, 5 बजे घटना हुई तो पुलिस को कितने बजे जानकारी? पुलिस को करीब करीब 9 बजे जानकारी मिली, रात के 9 बजे। होटल का जो मालिक है जिसके पास है तो वो 4 घंटे तक क्यों वेट कर रहा था, उसके बाद उसने मतलब 9 बजे उसको जानकारी दी पुलिस को? ना ना, होटल के मालिक ने नहीं दी, होटल ने जो लीज वाला है। सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से तो रात तक लोग घटनाक्रम बता दीजिए सर कि कब होटल में आए, कब मर्डर हुआ, कब कॉल मिली पुलिस को और कब पुलिस पहुंची, ये टाइमलाइन। और ये फरार क्यों नहीं हुआ? देखो, जो अभियुक्त ने बताया है वो कहता है कि 5 बजे के करीब जो ये मर्डर हुआ, जो ये घटना हुई, एक तरीके से मर्डर हुआ, उसके बाद जो अभियुक्त है जो एक तरीके से थोड़ा नशे का भी आदि है, तो लगभग वो एब्रीविएटेड फॉर्म में ही था, और इसने काफ़ी सोच समझ के फिर अपने जैसे इसको थोड़ा और संभाला, इसने अपने साथियों को बुलाया और वो भागा क्यों नहीं इस बारे उससे अभी पूछताछ करनी बकाया है, अभी करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि शायद वो इस पोजीशन में था नहीं कि वो भाग गए। सर, सोर्सेज की माने तो वो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो कहना बहुत जल्दबाजी रहेगा, पर जो अगला नेक्स्ट हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब उसी में देंगे। पुलिस को फोन मिल गया जिस फोन के अंदर अभिजीत की अश्लील फोटोज थी, वो फोन आपको मिला? अभी हमें 2 फोन मिले हैं, एक अभिजीत का और एक दिव्या का फोन, एक और फोन भी दिव्या की बहन की माने तो वो कहती है कि एक और फोन था, तो उस बारे भी तफ्तीश कर रहे हैं हम, और वो जो फैक्ट सामने आएंगे वो अगली बार आपको बताएंगे। अच्छा सर, सोर्सेस जो फोन मिले हैं, जो फोन मिला था उसमें से कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसी चीज आपत्तिजनक कोई ऐसी चीज मिली? ना ना, देखो उनको सीज कर लिया गया फोन को, और वो जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है पंचकूला वहाँ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें एज सच छोड़ देता है। अच्छा सर, सोर्सेस की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना ना ना, ना पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने
फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूँ, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसमें इसने कुछ गलत किया और डेड बॉडी है। सर, जो हथियार था वो क्या है? अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर? ना, अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है, और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे। दो हथियार जो था जो यूज किया गया था, क्या वो लाइसेंसी था या? ना वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है, वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। ना अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया जाता है। अनूप सस्पेक्ट है आपका? नहीं, कौन? अनूप जिसने कॉल किया? ना अनूप तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर, लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसके कितनी देर बाद होटल पहुंची? करीब आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली, करीब 9 बजे बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो नहीं सूचना मिली उसके बाद पुलिस वहाँ गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था, तो जो सूचना में पुलिस गई वहाँ पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया, सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया तो उसमें मिला। सर, 111 में बताया कि 111 में थी, तो 111 क्यों नहीं चेक किया सर? ना, किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ, बाद में डिस्क्लोज हुआ तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया, बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, मैच कुछ कदम की दूरी पर। देखो लैप्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है, क्या उसी का पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में CCTV में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टता, अगर ऐसा तो नहीं है, वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीज़ें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी CCTV फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि CCTV फुटेज इसको चेक करने में भी लगा, इसको एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था, और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो